हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से आप सब अपने एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और अब एग्ज़ामिनेशन जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो आज की वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने थे जून 2018 इग्नू एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फाइनल डेट शीट के बारे में, हॉल टिकट कब से डाउनलोड होगा, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कराने की क्या प्रक्रिया है, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे आपके साथ। तो एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। और आप लोग निरंतर वीडियोस देख रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, और मैं बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास भी करता हूँ। कई बार मैसेज भी मैं नहीं अटेंड कर पाता, बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं, फिर भी जहाँ तक हो पाता है मैं प्रयास करता हूँ। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इग्नू से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल डेट शीट जून 2018 एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल डेट शीट की। तो जो जून 2018 में एग्जाम होने जा रहे हैं इग्नू के, उनकी फाइनल डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पे फाइनली अपडेट हो चुकी है। जस्ट अभी अपडेट हुई है, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इग्नू की साइट के माध्यम से भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको पीडीएफ फाइल का लिंक भी दे रखा है। आप चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो डेट शीट है और जो पहले डेट शीट आई हुई थी उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगी जब आप अभी अपने हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपको डेट, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर और बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो बात कर लेते हैं हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है और कब से डाउनलोड होंगे। तो देखिए, इग्नू के जो हॉल टिकट हैं सामान्य तौर पे लगभग 10 दिन पहले इग्नू की वेबसाइट पे आ जाते हैं, और इस बार भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और इस बार पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे या सैटरडे शाम में ये आपके इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आप उनको देख सकेंगे। किसी कारण से अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मंडे में तो फाइनली आप अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर ही लेंगे, और जो आपको ये हॉल टिकट्स मिलेंगे इग्नू की वेबसाइट में होम पेज पे उपलब्ध होंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, ये आ जाएंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, तो इग्नू का आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, हॉल टिकट जो आप डाउनलोड करेंगे, और साथ ही साथ इसके अलावा जो भी आप स्टेशनरी यानी कि पेन पेंसिल वगैरह लेके जाते हैं वो लेके जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन के समय कोई एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट किया होगा, और अब उनके मन में किसी कारणवश एग्जाम सेंटर बदलने का विचार होगा। कई बार लोग कहीं घूमने जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे लें, या कोई और भी वजह हो सकती है, स्थानांतरण की वजह से भी कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर में बदलाव की बात है, तो ये प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, और स्पेशल केस में ही परमिशन मिलती है, और वो भी जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगर वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना है। सपोज मान लीजिए जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे उस समय आपने दिल्ली का कोई एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट किया था, और अब आप चाहते हैं कि कलकत्ता में आप एग्ज़ाम दे लें, तो कलकत्ता के जिस जिस एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगर वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं तो ही आप परमिशन मिल पाएगी। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर बदलने के लिए एप्लीकेशन कहाँ देना है। तो देखिए, ऐसा है, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है आपको वहाँ पे मेल भेजना होगा, फ़ोन करना होगा या एप्लीकेशन देना होगा, तभी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें, एग्जामिनेशन सेंटर तभी चेंज होता है जब क्वेश्चंस पेपर्स उस सेंटर पे उपलब्ध हों और आपका वैलिड रीजन हो, तभी ये चेंज होता है, अदरवाइज़ सामान्य तौर पे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होता है। तो आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको इन एग्ज़ाम में
काफ़ी काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उनको आप रिवाइज कर लें। दूसरी चीज़ ये आप देखिए कि जो लास्ट 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स इग्नू की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं उनको आप डाउनलोड करिए। मैं पहले भी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ और उनमें से कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कॉमन टाइप के होंगे, रिपीट होते हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं। और उन क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड करके एक समरी टाइप का बना लीजिए, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और बड़ी आसानी से आपको आपका पेपर निकल जाएगा। और आपको एक जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सब जानकारी आपको इस दौरान पता चल जाएगी जब आप वो पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। फिर जो आपने असाइनमेंट्स बनाए होंगे, निश्चित रूप से वो जो क्वेश्चन होते हैं जो असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, कई बार वो भी एग्जामिनेशन में दोबारा पूछ लिए जाते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एक दो इस सेशन के असाइनमेंट देख सकते हैं, अभी तो करंट वाला जो आपने बनाया है वो भी देख सकते हैं और पिछला भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कई बार क्लियर नहीं होते, बुक्स से क्लियर नहीं होते, तो उसके लिए आप आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आप इंटरनेट यूज कीजिए, यूट्यूब यूज कीजिए, इन सब से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे इनको आप समझ ही गए होंगे। अभी तक जो आपने पढ़ाई की है उसको आपको रिवाइज करना है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इग्नू की वेबसाइट पे उनको डाउनलोड करना है, ये आपके ऊपर है। 3 से 5 साल मैं बोल रहा हूँ, आप कम से कम 3 साल का डाउनलोड कर ही लीजिए। देन उसके बाद आप उसकी एक स्टडी करिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपने असाइनमेंट बनाए हैं, जो क्वेश्चन के आपने आंसर लिखे हैं असाइनमेंट में, उनको आपको एक बार पढ़ना है। वो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ना केवल इस बार के असाइनमेंट, अभी जो इग्नू की साइट पर पुराने असाइनमेंट हैं उनको भी आप इसके लिए रिफ़र कर सकते हैं। और कोई अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप इंटरनेट की मदद लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से आप उसको फाइंड आउट करिए, तो आपको कम समय में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, बजाय कि आप किताबों में बहुत देर तक उलझे रहें। फिर कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के समय आपको जो आप लोग आंसर लिखते हैं, प्रश्नों के जो उत्तर लिखते हैं, प्रयास ये करिए कि आप उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कई बार किताबों में हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन बातों को हम अपने शब्दों में लिखें, तभी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, बजाय कि आप एज इट इज़ कोई चीज़ लिख के आएँ। फिर जो उत्तर आप लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से अच्छा है कि आप उनको पॉइंट वाइज करिए, और जो आप आंसर्स लिखते हैं जब पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसको आप हेडिंग्स में, हेडिंग को किसी अलग कलर के पेन को यूज करिए। सपोज मान लीजिए आप ब्लू से आंसर्स लिख रहे हैं, तो हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा जो कॉपी जाचता है उसको भी बड़ी आसानी होती है, और एक जो इवेल्युएटर होता है उसको नंबर देने में भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा सहूलियत होती है। फिर जहाँ तक संभव हो, अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में फैक्ट्स ज़्यादा दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, और ग्राफ्स वगैरह अगर हैं, डायग्राम्स वगैरह हैं, तो उन्हें ज़रूर बनाइए। हाँ, लेकिन इस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, पता चला क्वेश्चन आपका केवल 2 ही नंबर का है और आपने बहुत ज़्यादा समय उस पर लगा दिया, ग्राफ भी बना रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब मार्किंग अच्छी हो, 5 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का हो, वहाँ पे आप ये ज़रूर करें, ग्राफ्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, एग्जाम्पल्स दें, फैक्ट्स दें, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यानी कि आपको जो उत्तर हैं वो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ लिखने से बेहतर है कि आप पॉइंट वाइज उसको कर लीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में करिए आंसर्स को, पैराग्राफ के ऊपर उनकी जो पॉइंट्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और जहाँ तक संभव हो एग्जाम्पल्स दीजिए, फैक्ट्स दीजिए, डायग्राम्स या ग्राफ्स का प्रयोग कीजिए अच्छे मार्क्स के लिए। चलिए कुछ और टिप्स आपको मैं बताता हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक तो ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जब क्वेश्चंस पेपर मिलता है और कोई ऐसा प्रश्न मिला जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और उसमें एक लिमिटेशन है कि आपको सपोज वो क्वेश्चन मान लीजिए 5 मार्क्स का है और आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर अच्छे से आता है तो वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, 100 वर्ड की बजाय वो 200 वर्ड में लिख डालते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर तो आपको उस 5 मार्क्स ही देगा ना, आप चाहे 200 वर्ड लिखिए या 300 वर्ड लिखिए, उससे कोई फ़ायदा तो आपको होना नहीं है। आप उसमें अनावश्यक अपनी विद्वता को मत खपाइए, आप दूसरे प्रश्नों के उत्तर में भी आपको समय चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको समय बचा के रखना है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि अक्सर ऐसा करते हैं, जो चीज़ जो क्वेश्चन बनता है
उस पर बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर कई बार ऐसा भी होता है, जो कि मैं बात आपसे बोल रहा था वही चीज़ है, कि हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर देते हैं, जो उसकी लिमिट है उत्तर लिखने की उसको क्रॉस कर देते हैं, और फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए जितनी उसमें वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करिए, उसके हिसाब से ही लिखिए। और जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं या वन वर्ड के जो आंसर्स हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको आप पहले कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में इतना समय नहीं मिलता। फिर हम ये तो फ्रेंड, चलिए कुछ और पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं, इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। तो एक तो जो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो वहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप ज़रूर लिखिए, और उनको अंडरलाइन भी कीजिए, अलग पेन से लिखिए, अलग पेन कलर से लिखिए, और उनको अंडरलाइन कीजिए। इससे जो इवेल्युएटर होते हैं काफ़ी प्रभावित होते हैं, और इसके लिए आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन के समय क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ने की हड़बड़ी रहती है, और उस दौरान उनकी जो नींद है, स्लीपिंग जो है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर नींद लेना है 6 से 8 घंटे, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। इसी तरह खाने पीने में भी थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन के समय बैलेंस डाइट रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, अदरवाइज आप बीमार हो जाएंगे और फिर एग्जाम प्रॉपर ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स ट्रिक्स थे, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे, आप इनको अपना सकते हैं, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। और अगला जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो स्पेशली आपके एग्जामिनेशन के ऊपर ही है, और इसमें हम बात करेंगे कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको क्या करना है, परीक्षा के दौरान क्या करना चाहिए, और परीक्षा के बाद क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे से दे पाएँ। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेके हम अगला वीडियो आपके सामने लाएंगे, और निश्चित रूप से आप उसको देखिएगा, उससे आपको इस एग्जाम में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एक बार फिर से आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।